भी डिजिटल से जुड़ी हुई जो आप लोगों को ना मिले। तो कैनवा के माध्यम से मैं आपको रील्स बनाना भी बताऊंगा, आप लोगों को वीडियो बनाना भी बताऊंगा, प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। तो देखिए, ये मैंने फेसबुक अपना ओपन कर लिया है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपने पोस्टर कंप्लीट किया है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी सोशल मीडिया के उस अकाउंट में डालना है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप अपना फेसबुक ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला देखिए, आप इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आप जब आ जाएगा तो आप देखेंगे स्टोरी के जस्ट नीचे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी स्टोरी जिन लोगों ने लगा रखी है उनकी स्टोरी आपके सामने आ जाएंगी। उसके जस्ट नीचे आ जाता है, ये आप देख सकते हैं कि आप अपने माइंड में कौन सी चीज लिख रखे हैं, कौन सी चीज सोच रखे हैं, वो चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे किसी ने एक अच्छा सा शायरी लिख रखा है, सोच रखा है, किसी ने मोटिवेशनल कुछ लाइन, चंद लाइनें लिख रखी है, तो वो चंद लाइनें आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लाइव आना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लाइव भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने फोटो के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपकी गैलरी में लेके चला जाएगा। तो देखिए, ये हमें जो है हमारी गैलरी में लेके आ गया है, ओके। तो मैं यहाँ पे जो अभी मैंने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मैंने यहाँ पे भी लिया था, यानी कि मैंने जो अभी पोस्टर कंप्लीट किया था वो वाला, ये वाला पोस्टर अपना है, ये देखिए, ये देखिए अपने सामने ये वाला आ गया है, राइट, आप देख सकते हैं। तो अभी जब आप वहां पे फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जो पोस्टर कंप्लीट किया था उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, टाइटल, यहाँ पे पहले आपको इसका टाइटल दे देना है। टाइटल कौन सा आप दे रहे हैं वो आपको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइटल ही आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी पोस्ट को लाता है, टाइटल ही। आप चाहे तो इसी वक्त upitfutures.tech सर्च कर लीजिए, मेरा फेसबुक का भी आपके सामने आ जाएगा, यूट्यूब का भी आ जाएगा, और जो मैंने इंस्टाग्राम में भी दिया है वो सारे सारा आपके सामने आ जाएगा। तो टाइटल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे टाइटल बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा सा वही दे देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक टाइटल इसका दे दिया है, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ टाइटल्स के नीचे आपको हैज टैग्स, क्योंकि हैज टैग्स आप ही अकेले इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरी दुनिया जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी लोग टाइटल को इस्तेमाल करते हैं, राइट। टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं और उसके नीचे हैज टैग्स भी लगाते हैं। तो देखिए, हैज टैग्स लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको हैज ले लेना, जैसे ही आप हैज दबाएंगे तो यहाँ पे आपके वो जो है जितने भी हैज टैग्स आप पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सारे सारे आपके सामने आ जाएंगे, जितने भी आपने आज तक इस्तेमाल किया होगा वो सारे सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर आ गए हैं, ओके। तो आपको यहाँ से जैसे मान के चलिए ये वाला मुझे लगाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो देखिए, एक सेम ये दोनों चीजें हो गई, पहले ऊपर टाइटल और नीचे हैज टैग्स, जो कि पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। और उसके बाद फिर से आपको जो हैज ले लेना है, ठीक है। जैसे ही आप हैज लेते हैं तो देखिए आपके पास जितने और भी होंगे वो सारे सारे हैज टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको कोशिश करना है कि 5 हैज टैग्स आपके जरूर होने चाहिए, कितने, 5। और ये कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया नॉन वर्किंग, आप देख रहे होंगे नॉन वर्किंग, तो ये नॉन वर्किंग के 14,000 लोगों ने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। अब आप देख सकते हैं सोशल मीडिया, राइट।
राइट। तो सोशल मीडिया की पोस्ट को आप देख सकते हैं कि अभी तक बात की जाए तो 44 मिलियन पोस्ट इस सोशल मीडिया के हैशटैग के माध्यम से हो चुकी है, ये भी आपको वहां पर देखने को मिल जाता है राइट। दूसरा देख सकते हैं 9 प्रोडक्ट, ठीक। जैसे ही आप 9 प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहां पर भी आपको दिख जाएगा कि 11,000 लोगों ने अभी तक इसके ऊपर पोस्ट कर रखी है, ठीक। वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 27 मिलियन, सोचो दोस्त 27 मिलियन लोग आज इसका इस्तेमाल कर चुके हैं राइट। तो आपको जो है ये भी कंप्लीट देख लेना है कि कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो आप ये भी देख सकते हैं 9 कंपनी इसका कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 से प्लस, 5,000 से प्लस लोगों ने इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमने जो एक टाइटल इसका बना लिया अच्छा सा राइट। टाइटल बनाने के बाद जो है इसमें हैज टैक्स दे दिए है, तो मैं थोड़ा जल्दी के कारण आपको इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि जो है ज्यादा टाइम भी आप लोगों को करना जाए और आप लोगों को वो चीजें समझ में आ चुकी है आ सके जो चीज आप समझना चाहते हैं। पोस्ट तो सभी लोग करते हैं, इसमें ज्यादा बताने की वो नहीं है राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप पोस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे हैज टैक्स बना लेंगे, टाइटल बना लेंगे। टाइटल बनाने के बाद आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, यानी कि सारी चीजें आपको उसमें कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे अपनी पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको आता है ऐड पोस्ट, आपके जस्ट उसी पोस्ट के ऊपर ही ये चीजें देखने को मिलेंगी जो पोस्ट आप करेंगे राइट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको एडिट का ऑप्शन, क्या चीज, एडिट का। तो एडिट पे क्लिक करके आपको हमेशा ध्यान रखना कि पोस्ट ऐसे कभी मत करिएगा, मतलब कैसे कि आप साधारण से पोस्ट ना करके आप उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कितने सारे अपने को जो है फीचर्स मिल जाते हैं। इसको मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ, टैग फोटो भी कर सकता हूँ, ठीक, टैग टूल्स भी कर सकता हूँ, और भी चीजें कर सकता हूँ। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जब आप एंड्रॉइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, कहाँ पे, यहाँ पर एक फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फीचर एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कौन सा, एक म्यूजिक लगाने का, क्या चीज, आप एक अच्छा सा म्यूजिक उसके ऊपर दे सकते हैं जो कि आपकी पोस्ट को और भी अट्रैक्टिव बना देगा राइट। तो आपको म्यूजिक का हमेशा इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी पोस्ट को कंप्लीट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सा अपनी पोस्ट को जो है सीधा पोस्ट कर देना है। तो देखिए हमारी पोस्ट कंप्लीट होकर आ गया है, ये देखिए विद इन सेकेंड में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये पोस्ट हमारे सामने आ चुका है राइट। ये देखिए वही पोस्ट जो हमने अभी जो है फेसबुक में दिया है वो पोस्ट हमारे सामने आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये गेम चेंजर है दोस्त, गेम चेंजर। अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो 100% गेम चेंज कर देगा। कैसे, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि रोज डेली का आप एक कसम उठा लीजिए कि मैं कसम खाता हूं रोज डेली से मैं ये काम अवश्य करूंगा। कौन सा, तो यहां पे देखिएगा यहां पे आपको मिलता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, यानी कि यहां पे आप नए नए फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है कि आप अगर मान के चलिए मिनिमम 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कितने, 10 लोगों को, और उन 10 लोगों में से 8 लोग, 5 लोग रख लो 50% का रख लो, 50% लोग ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब आप सोचिए रोज डेली के 5 लोग तो आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं ना, आपकी प्रोफाइल से जुड़ रहे हैं, और जब जुड़ेंगे तो आपकी प्रोफाइल की जो पोस्ट यहाँ पे डाल के रखा है ये वाला, ये जो हमने पोस्ट यहाँ पे डाल के रखी है, तो ये पोस्ट ऑटोमेटिक उन लोगों तक पहुंच जाने वाली है। जब नए नए लोग आते रहेंगे तो नए नए, जैसे आप उदाहरण के तौर पे बात कर ले, आप YouTube चैनल चला रहे हैं, ठीक। अब YouTube चैनल में किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आज की डेट में बात कर रहा हूँ, तो क्या आज के ही वीडियो उसके सामने जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो पहले से वीडियो पड़े होंगे वो वीडियो भी उस व्यक्ति को दिखने लगेंगे, उसको इंडिकेट देते रहेंगे कि ये वाला भी आप वीडियो देख सकते हैं, ये वाला भी आप देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये भी काम करता है कि आप प्रोफाइल के ऊपर जब लोग आते रहेंगे तो उसमें जो है आपके साथ उनका एक रिलेशनशिप बनता रहेगा, एक रिलेशन आपके साथ। तो देखिए आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स का आपको फीचर्स मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, राइट। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितने लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है, आप देखिए 1, 2, 3, 4, राइट, 4 लोगों ने ऑलरेडी मुझे भेज रखी है। मैं मुझे अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो मैं सीधा यहाँ पे क्या करूंगा, कंफर्म कर दूंगा। तो अब ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड हो चुके हैं, और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, जिसका भी आपको लगे, ठीक है। जब आप थोड़ा सा और देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे नए लोग, नए लोग। तो इसमें से आपको क्या करना, ऐड फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने भी यही फीचर्स आएगा ऐड फ्रेंड का, रिमूव ऐड फ्रेंड। तो आपको जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट देना है उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। तो इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप सभी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना देकर आप उन्हीं लोगों को देंगे जो लोग वहां पे थोड़ा सा आपको जेन्युइन लगे। जेन्युइन कैसे, जैसे आप देखिए ये मेरा ही फ्रेंड है, मेरा ही फ्रेंड है, ठीक है, और इसको मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन इसकी आप प्रोफाइल देखिए कि एक जेन्युइन प्रोफाइल इसने लगा रखी है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इन्होंने एक जेन्युइन, मतलब इससे क्या दर्श अपने को समझ में आ रहा है, अपने को ये समझ में आता है कि हाँ ये व्यक्ति एक्टिव है, और ये व्यक्ति जो है अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से दे रखे हैं कि मुझे कोई बात छुपाना नहीं किसी से। तो इस तरीके से ये लोग जो है यहाँ पर अपनी प्रोफाइल लगते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोशल मीडिया में जो फ्रॉड होते हैं, कुछ लोग फ्रॉड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर लड़की की फोटो इस्तेमाल करते हैं, किसकी, लड़की की। और बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे लोग, कई सारे लोगों को देखो सरकारी कर्मचारियों की लगा लेते हैं, मतलब ऐसी ऐसी पोस्ट पोस्ट वहां पे लगा के रखेंगे, फोटो अपने लगा के रखेंगे जिसमें अपने को यही कंफर्म रहता है। तो अपने को जब भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट देना है तो ये चीज जरूर कंफर्म कर लेना है कि हाँ इनकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट देनी है। तो अभी आप यहाँ पे देखें कितने सारे जेन्युइन लोग आपको दिख जाएंगे, कि जो लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं एक अच्छे जेन्युइन व्यक्ति हैं, कि अपने अपना लगाया, अपने साथ जो है किसी और का भी लगाया, तो एक जेन्युइन व्यक्ति की यहाँ पे पहचान होती है, भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे भी दिख जाएंगे जो जेन्युइन होते हैं, राइट। अब देखिए ये सिस्टम में यू टैग में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने यू टैग का अपना लगा रखा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है कि हाँ कौन सा व्यक्ति कैसी पोस्टर के साथ है आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे धर्मेंद्र प्रजापति जी को ऐड फ्रेंड में ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे दिया है। और जब ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो मैंने जो भी पोस्ट दिया है या आज से पहले की जितनी भी मेरी पोस्ट होंगी वो सारी सारी स्टेप, ऐसा नहीं कि एक साथ चली जाएंगी, नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर एक पे विजिट करते हैं तो दूसरी इनको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, अगर दो देखते हैं तो तीसरी ऑटोमेटिक इनको मिल जाएगी। तो अब आप सोचिए रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट इसी तरीके से आपको मिलने वाला है, राइट। तो देखिए आपको इन्हीं लोगों में से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे देना है जो आपको जेन्युइन लगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट दे देता हूँ। रोज डेली का आपको ये काम रोज डेली करना है, एक दिन नहीं, इस काम को आपको रोज डेली नियम के अनुसार आपको ये काम करते रहना है। और ऐसे लोगों को आप कभी पोस्ट मत करिएगा, यादव सरकार, क्योंकि ये वाकई में सरकार है, ये वाकई में सरकार है, तो ऐसे लोगों को आपको कभी पोस्ट नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं देना है कभी भी, ठीक है। तो और भी आप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पवन शर्मा को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट दे देता हूँ। देखिए पवन को भी दे दिया, विजय परमार को भी दे दिया। तो इस तरीके से आप जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो वहां पे आप सेलेक्ट करके उन लोगों को आप यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब है, कितनी जेन्युइन पोस्टर यहाँ पे अपने खुद का लगा रखा है, देखिए डॉक्टर साहब का पोस्टर, कि एक जेन्युइन लग रहा है कि हाँ इन्होंने अपना पोस्टर लगा रहा, अपना जो है फोटो यहाँ पे लगा रखा, अपनी प्रोफाइल दे रखी है। तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आकाश सैनी जी मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जेन्युइन फोटो लगा रखा है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर पाएंगे कौन व्यक्ति जेन्युइन है कौन फेक है, राइट।
तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हमें किन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट देनी है और किन को नहीं देनी है। तो पहला हमारा ये हो गया कि इस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, पहली चीज। फिर दूसरा हमें करना है, दूसरा आप ध्यान रखिएगा, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम होता है कि आपको कुछ ग्रुप्स आपको चुनना है। क्या करना है, कुछ ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। तो ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो जब आप अपने उसमें देखेंगे तो आपको ऊपर ही मिलेगा आपको सर्च का ऑप्शन, देखिएगा आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन ये देखिए। तो सर्च के ऑप्शन में आपको जाना है और वहां पे आपको सर्च कर लेना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैसे, तो जैसे मान सकते हैं आपके एरिया में कोई अच्छी फेमस चीज है, एक मंदिर है, जैसे बात करें अगर मुझे अयोध्या का सर्च करना है तो मैं सीधा सर्च कर लूंगा राम मंदिर, तो अयोध्या से जितने भी जुड़े हुए राम मंदिर से होंगे ग्रुप वो सारे के सारे अपने सामने आ जाएंगे। या मुझे एमएलएम का सर्च करना है तो एमएलएम सर्च वहां पे लिख दूंगा, अगर मुझे फोर्सेज के ग्रुप चाहिए तो फोर्सेज वहां पे डाल दूंगा, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के चाहिए तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के डाल दूंगा। यानी कि हम अपनी ऑडियंस को उस तरह से टारगेट करेंगे कि वो लोग हमारे साथ काम कर सके, वो लोग हमारे साथ काम कर सके, राइट। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, आप अनेक नामों से आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही नाम से करें, अनेक नाम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक, ये मैंने डाला, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दिया और स्पेस देने के बाद मैं सीधा से क्या करूंगा ग्रुप यहाँ पे सर्च कर लूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एमएलएम ग्रुप का डाला तो यहाँ पे आप देखिए कितने सारे यहाँ पर वो अपने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अपने को मिल जाता है एमएलएम ग्रुप, ठीक है, उसके बाद मिल जाता है एमएलएम ग्रुप उत्तर प्रदेश, देखिए एमएलएम ग्रुप ऑफ झारखंड, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे अपने को मिल जाते हैं। देखिए कितने सारे ग्रुप जो उससे जुड़े हुए होंगे वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो इनमें से जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं एमएलएम ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे आ गया है एमएलएम टॉप लीडर। तो इसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखने की होती हैं, कौन कौन सी, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको देख लेना है कि वो ग्रुप जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ग्रुप जो है पब्लिक है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रुप वहां पे प्राइवेट हो और आप उसमें जो है पोस्ट ज्वाइन कर ले तो वहां पे आपकी पोस्ट ही नहीं जा पाएगी, क्योंकि तो आप किसी की प्रोफाइल अगर प्राइवेट कर देता है तब भी आप सोचकर देखें कि आप उसकी प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको ये चीज जरूर चेक कर लेनी है कि वो ग्रुप पब्लिक है या प्राइवेट है, राइट। दूसरी चीज आपको चेक कर लेनी है कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं, देखिए तो इसमें आप देख सकते हैं 3,900, 3,900 लोग इस ग्रुप में अभी हैं, राइट। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको देख लेना है कि उस ग्रुप में मैं एक दिन में, ध्यान रखिएगा, एक दिन में आप कितनी पोस्ट कर सकते हैं, कितनी पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि उसने एक लगा रखा है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, कई सारे पोस्ट में डिफरेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, ये ग्रुप है जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट एक दिन में दी जा सकती है, कितनी, 5, 5 पोस्ट से अगर आप छठी पोस्ट इसमें डालेंगे, क्या छठा पोस्ट, तो छठी पोस्ट में क्या होगा कि जो है फेसबुक आपको बैन कर देगा, आपके ऊपर कंप्लेन कर देगा कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने को उपयोग में लेना है, दुरुपयोग कभी नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीजों को कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे जो भी चीजें मुझे उचित हैं वो सारी चीजें मेरे हिसाब से हैं, राइट। तो क्या करना है, इसको सीधा सा आपको ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना।
सेम इसी तरीके से आप दूसरा देख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एंड एमएलएम इंडिया, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 878 लोग इस ग्रुप में हैं। टोटल बात करें तो एक दिन में आप जो है 10 पोस्ट से प्लस 10 पोस्ट से, अगर आपसे 11वीं पोस्ट भी हो जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं 479 लोग हैं, ठीक, 5 पोस्ट इसमें किया जा सकता है। तो अभी अपने सामने सिर्फ 3 ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, लेकिन और भी मुझे देखना है तो कैसे देख सकता हूं, तो यहाँ पे आपको मिलता है सी आल, देखिएगा आप, ये सी आल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इस सी आल के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको ग्रुप यहाँ पे मिल जाते हैं, देखिए कितने सारे, जिसमें से 52,000 लोग भी हैं एक दिन में, जो है कम से कम ये मान लो कि 10 पोस्ट से प्लस इसमें भी दिया जा सकता है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, A to Z आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने सारे, एक नहीं अनेक ग्रुप। अब आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए कि कितनी बड़ी आपके पास पब्लिक है, कभी आपको ऑडियंस की कमी ही नहीं आएगी, कभी लीड की कमी ही नहीं आएगी, कितने ग्रुप ज्वाइन करेंगे, देखिए एक लाइन से देखते चले जाइए, देखिए कितने ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करिए। और हर ग्रुप में आप देख लीजिए 274 लोग हैं, 6,300 लोग हैं, 6,200 लोग हैं, कितना आप ज्वाइन करेंगे, कितना लोगों को आप जोड़ेंगे, कितना लोगों को आप अपनी जानकारी देंगे। देखिए इसमें सिर्फ एक दिन में 3 पोस्ट ही किया जा सकता है, इसमें एक दिन में 3 पोस्ट ही किया जा सकता है, तो ये डिफरेंट आपको देख लेना। और कभी भी ऐसे ग्रुप को गलती से मत ज्वाइन करिएगा, कौन सा, ये वाला पेन के आइकन से आपको ये मैं क्लियर कर देता हूं, ये वाला। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसमें दिया गया है 2 पोस्ट ए मंथ, यानी कि एक महीने में केवल आप 2 पोस्ट ही कर पाएंगे, कितनी, 2। तो क्या फायदा हुआ ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने का कि अगर गलती से मैं दूसरे दिन इसमें पोस्ट डाल दूं तो मेरा फेसबुक तो बैन हो जाएगा, मेरा फेसबुक तो बैन हो जाएगा। तो ऐसी गलती अपने को बिल्कुल नहीं करनी है, ये चीज अपने को जरूर देख लेनी है। तो और भी आप देखिए कितने सारे, हर ग्रुप में देखिए 4,000 लोग हैं, 1,500 लोग हैं, कितने लोगों तक आप अपनी जानकारी देना चाहते हैं, कितने लोगों को आप प्लान करना चाहते हैं, कितने लोगों को आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, दीजिए 3,000 लोग हैं, 30 लोग देखेंगे इस ग्रुप में, लेकिन कारण है कि इसमें सिर्फ महीने में 8 पोस्ट ही किया जा सकता है, तो ये चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2,000 लोग हैं, 2,300 लोग, इसमें से मैं बात करता हूं सिर्फ 4 लोग ही आपकी पोस्ट देखेंगे, 4 लोग, लेकिन अगर उचित लोगों तक, उचित जिनको जरूरत है वो लोग तक अगर आपकी पोस्ट पहुंच जाती है, तो 100% गारंटी है वो लोग आपसे इंक्वायरी करने वाले हैं, वो लोग आपसे इंक्वायरी करने वाले हैं। तो और भी देखिए कितने सारे, आप देखिए गिनती नहीं कर पाएंगे, एक नाम से सर्च करने के आपको कितने ग्रुप मिलते हैं, देखिए पूरी दुनिया आपके कदमों में है, करिए दुनिया मुट्ठी में, देखिए 16,000 लोग हैं, 10 पोस्ट एक दिन में किया जा सकता है। अगर इसमें मानता हूं कि अगर सिर्फ 60 लोगों ने ही देख लिया आपको पोस्ट को, और 60 लोगों में सिर्फ 2 ही लोगों ने इंक्वायरी कर लिया, तब भी आप सोच कर देखिए कितने सारे ग्रुप आप ज्वाइन कर रहे हैं, और उन ग्रुपों में अगर एक ग्रुप से सिर्फ एक एक व्यक्ति ही अगर आपसे इंक्वायरी करता है, तो आपको 5 ग्रुप ज्वाइन करना, तो 5 रोज आपको इंक्वायरी आने वाली, कितनी, 5। और मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करके आपको ये चीज भी दिखा दूंगा कि मेरे पास 5 आती है इंक्वायरी रोज, डेली की 5, देखिए कितने सारे, 30,000 लोग हैं, 10 पोस्ट आपको रोज डेली की करनी है, ज्वाइन करिए ग्रुप को, सीधा से यहाँ पे ज्वाइन का फीचर्स आपको मिलता है, ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ एक दो ग्रुप को, ज्वाइन करके थोड़ा सा टाइम का वो कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 2 ज्वाइन कर लिया, 3 ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ठीक, 4 कर लिया, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 ग्रुप यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे 5 ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन हो चुके, यानी कि आज का मेरा जो टास्क था वो मेरा कंप्लीट हो गया। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, एक दिन में सिर्फ 5 ग्रुप ही ज्वाइन करना है, और इसी तरह अभ्यास करते चले जाएंगे, अभ्यास करते चले जाएंगे, तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप जो है इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं, 5 से आप 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, धीरे 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 करके आप इसको 100 तक ले जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको 5 ग्रुप ही ज्वाइन करने हैं, राइट। तो मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, मैंने 5 ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर लिया।
तो देखिए मैंने पांच ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पांच ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी प्रोफाइल पे आ जाऊंगा। देखिए तो अभी मैंने क्या किया कि ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया और 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी डाल दिया, 5 लोगों को। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पोस्ट यहाँ पे किया था, ये देखिए आपके सामने वो पोस्ट आ चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे शेयर का ध्यान दीजिएगा, चाहे तो मैं आपको कलम से भी क्लियर कर देता हूं। ये देखिए ये आपको शेयर का फीचर्स यहीं पर आपको मिलता है। तो आपको सीधा से क्या करना है, शेयर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आप कहाँ पे इसको शेयर करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो उसी पोस्ट को आप अपनी स्टोरी रख सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको, जो आपका फेसबुक है इसका भी मैसेंजर होता है, यानी कि इसी का एक पार्ट होता है, वहां पर भी आप मैसेंजर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट आपको आगे बताऊंगा कि मैसेंजर से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इसको व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं शेयर ऑन फ्रेंड्स प्रोफाइल, यानी कि आप अपनी प्रोफाइल में भी इसको आप यहीं से लगा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, ग्रुप में इसको शेयर करना है। तो देखिए जो ग्रुप मैंने अभी ज्वाइन किया था, देखिए ज्यादा ग्रुप नहीं है भाई, क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए कितने ग्रुप हैं, सिर्फ 5 या 6 ग्रुप हैं हमारे पास। तो मैं इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं सीधा सा इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने टाइटल, हैज टैग्स और आपने फोटो में जो है म्यूजिक, सारा कुछ आपने पहले ही इसमें कंप्लीट कर लिया था। तो आपको सीधा सा इसको पोस्ट करते चले जाना है। तो जितने भी ग्रुप हैं उसमें आपको इसको शेयर कर देना। देखिए मैंने एक शेयर कर दिया, फिर मैं ग्रुप में आऊंगा। ठीक है, अब मैं दूसरे ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, 2 शेयर हो गया, मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा, फिर से मैं जो है नेक्स्ट ग्रुप में इसको दे दूंगा। तो देखिए मैं इसमें भी इसको दे देता हूं। राइट, तो इस तरीके से आप अगर 5 ग्रुप में भी डालते हैं और अगर एक ग्रुप में 2,000 लोग भी हैं, कितने 2,000, तो 2,000 लोग भी हैं तब भी आप सोच कर देखो, 5 दूनी 10, कितने 10,000 लोगों तक आपकी पोस्ट जा रही, और उन 10,000 में से मान लो कि 100 लोग ही आपकी पोस्ट को विजिट करते हैं, कितने 100 लोग। और मैं आपको नेक्स्ट आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखिए पोस्ट से कल मैंने डॉक्टर साहब को ये पोस्ट, एक पोस्ट दिया था कि देखिए सर केवल एक नॉर्मल सा, ये भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये पोस्टर जिसने किया उसका है या नहीं, उसका है या नहीं, फिर भी मैंने देखा उसमें 700 से प्लस कमेंट, 700 से ज्यादा कमेंट्स उसमें, और साथ साथ आपको बता दूं इतने सारे लाइक, 4,000 से प्लस उसमें लाइक, लेकिन शेयर कितना किया था, सिर्फ और सिर्फ ये मान लो कि 80 ग्रुप में, कितने 80 ग्रुप में उस पोस्ट को दे रखा था, 80 ग्रुप से इतना बड़ा रिजल्ट उसने कंप्लीट कर लिया। तो सेम इसी तरीके से हम लोग भी अपनी पोस्ट को और अपनी टारगेट ऑडियंस तक हम ले जा सकते हैं। अगर हम एमएलएम ग्रुप या किसी तरीके के एमएलएम कंपनी को या किसी भी तरीके के ये मान के चलिए सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, तो उससे अपने को ज्यादा रिजल्ट मिलने के चांस होते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमें रोज डेली का दो जो काम करना है, कितने रोज डेली के 2 काम ये अपने को करते रहना है। कौन सा, पहले अपने को जो है यहाँ से अपने को जो है फ्रेंड्स जो है बनाते रहना है, क्या करना है, फ्रेंड्स बनाते रहना है। दूसरा काम, जो हम पोस्ट करेंगे उस पोस्ट को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहना, दोनों काम बराबर, उधर लोग आते भी रहेंगे उधर हमारी पोस्ट भी जाती रहेगी। तो दोनों काम आपको आज से नियम के साथ करने हैं, नियम के साथ, 5 ज्यादा मत करो, 5 मिनट का टाइम निकाल लो, 5 ग्रुप में शेयर कर दो, 5 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दो, इतना काम अपने को करना है। राइट, तो टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट दिन मैं आपको बताऊंगा कि और भी कई सारी चीजों से आप जो है अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को और भी बेहतर से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, जैसा कि मार्केट प्लेस। मैं आपको यहाँ पे बैक आके दिखा देता हूँ, देखिए आपको कितने सारे यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे मार्केट प्लेस।
इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इससे कैसे आपको लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। और भी आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से, देखने के लिए वीडियो नहीं है, वीडियो से हम बेनिफिट लेंगे दोस्त, बेनिफिट लेंगे। कैसे लेना है वो चीज हम नेक्स्ट डे सीखेंगे। तो अब समय है आप लोगों के रिव्यू का, तो आप लोग रिव्यू दे सकते हैं कि ये दो काम हमें प्रतिदिन करना है, तो आप लोग आ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आज का सेशन बहुत अच्छा था, आपने जो बताया बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि हम फेसबुक का इस्तेमाल तो कर रहे थे और लेकिन हमको जो पॉइंट हमसे मिसिंग हो रहा था वो हमको आज पता चला है कि हम अपनी पोस्टिंग के साथ जो है क्या मिसप्रिंट कर रहे थे। हम लोगों को टैग नहीं कर रहे थे, मेरी पोस्ट में मैं लोगों को टैग नहीं कर रही थी, तो मैं सर आज से ही मैं लोगों को टैग करना स्टार्ट करूंगी। और जो भी आपने मुझे इसमें आज बताया है सेशन में सर, वो वक्त मैं कर रही थी, बस मैं लोगों को टैग नहीं कर रही थी। तो सर बहुत थैंक यू आपका कि आपने मुझे बताया कि लोगों को टैग करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सर सेशन है हमारा बहुत अच्छा जबरदस्त है सर, और आपको थैंक यू सर। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर मैं डोली सैनी मेरठ से, यूपी से। तो हमारा जो सेशन चल रहा है बहुत ही जबरदस्त है, एक एक पॉइंट आप इतने अच्छी तरह क्लियर करते हो, बहुत हेल्प हो रही है मेरी भी उसमें। और काफी कुछ सोशल फेसबुक का मुझे भी नहीं पता था जो आज पता चला है, और मैं इसको आज ही अप्लाई करूंगी और अच्छी से अच्छी लीड जनरेट करूंगी। तो ये सब सिखाने के लिए, इतना सब कुछ बताने के लिए, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। तो फेसबुक पे आपने जितना भी बताया, एक्चुअल में मैं करता तो था बट इतना नहीं मैं फेसबुक पे कर रहा था, मैं ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर रहा था, पोस्ट नहीं कर रहा था। और कैनवा का तो मेरे को वाकई में आपका कैनवा का जो सेशन है वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। वीडियोज वगैरह भी देखी नहीं है मैंने, वो वीडियोज देखूंगा तो वो कैनवा को मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा। और बाकी आज के सेशन से ये पता लग जाएगी हाँ फेसबुक पे हमने पोस्ट कैसे करनी है, टैग करना है। तो वाकई में बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सर। केनवा के माध्यम से मैं आपको रील्स बनाना भी बताऊंगा, आप लोगों को वीडियो बनाना भी बताऊंगा, प्रेजेंट ये एक दिन नहीं किया जा सकता। अभी आप देखें एक पोस्ट को करने में हमारा 1 घंटा निकल गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को सीखेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं होगी डिजिटल से जुड़ी हुई जो आप लोगों। नमस्कार सर सर। मैंने मैंने देखा, अटेंड किया तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई और समझ में आ रही है ये कैनोवा को कैसे यूज़ करना है। और आपने बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया, आपके समझाने का तरीका ही बहुत ज़बरदस्त है सर। हैट्स ऑफ टू यू सर, मैं करूँगा सर कोशिश पूरी जो थैंक यू आगे आगे। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो देखा दोस्त आप सभी लोगों ने कि कितनी बेहतर हम लोग डिजिटल की जानकारी ले रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यह जानकारी मुझे मिले और मैं भी इससे वो बेनिफिट लूं, तो आपको क्या करना है, ये सेशन को अटेंड करना है और रोज डेली अटेंड करना है। और जो मैं ये वीडियो यूट्यूब में दे रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इस सेशन की जानकारी लूं और इस सेशन के माध्यम से डिजिटल की वो जानकारी मुझे मिले, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि वो लोग भी अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सके। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस वेबिनार की, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप कॉल करके मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं कि ये सेशन में मुझे कैसे अटेंड करना है और कैसे मैं एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग सीख कर पैसे कमा सकता हूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।